हाउ आर यू गाइस, दिस इज़ रीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो एक मेजर इशू है आज के दिन के लिए, हर किसी के लिए आज के दिन में, और जिस प्रॉब्लम से हम सब ही कम ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, कोई भी एक सॉलिड कंक्लूजन हम लोगों को नहीं मिल रहा है, और वो है हेयर फॉल या हेयर रिग्रोथ ना होना। हेयर फॉल तो चलो ठीक है, फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि समहाउ मतलब हेयर ग्रो होना, हेयर रिग्रोथ होना हम लोगों का किसी भी वजह से बंद हो गया है या कम हो गया या नहीं हो रहा है, तब हम लोग मतलब उससे ज़्यादा तो परेशान हम लोग शायद ही कभी होते होंगे, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। तो मतलब दिमाग काम नहीं करता कि यार हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें या इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ सकें, इस चीज़ को ओवरकम कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो कुछ भी बोलता है, हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन डिज़ायर वाला जो अमाउंट, डिज़ायर अमाउंट का जो मतलब रिजल्ट है वो हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं भी काफ़ी सारे रेमेडीज़ मैंने ट्राई किए, फॉलो किए, और उनमें से काफ़ी हद तक बहुत सारे रेमेडीज़ काम में भी आए, जो मैं आप लोगों के साथ मतलब मेरे नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। तो कुछ कुछ चीज़ जो मेरे काम में आए, तो उनमें से एक है, मैंने ये मतलब ट्राई किया था, और ये एक्चुअल में कुछ ही दिन में मेरे मतलब हेयर फॉल में मुझे काफ़ी सुधार महसूस हुआ है, इसलिए मैं आज आपके सामने ये शेयर करने जा रही हूँ। और भी जिस जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं उन सब के लिए एक अलग अलग वीडियो आपके सामने मैं लाऊंगी, ताकि आप लोग भी वो सब यूज़ करके, वो सारे टिप्स को फॉलो करके आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहली बात तो मैं जो बोलने जा रही हूँ अभी, जो टिप्स आपको मैं दे रही हूँ, या जो होम रेमेडी, या घर पर ही आप जो मतलब आसानी से सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट चाहिए इसको, इस मतलब सीरम को या ऑयल को बनाने के लिए, ये आसानी से आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है मार्केट में, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ज़्यादा मतलब बहुत ही रिजनेबल है, अफोर्डेबल है, तो आप आसानी से कर सकते हो, और ये सच में इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने ये खुद पे आज़माया हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए आपको बताने जा रही हूँ। एक तो है पतंजलि का एलोवेरा जेल, ये आप देख सकते हो कि आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट। ये इतने सारे काम में आता है एलोवेरा जेल कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पता करने के लिए या जानने के लिए, आप एक एलोवेरा जेल को किस किस हिसाब से यूज़ कर सकते हो और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आपको तो एक चाहिए ये एलोवेरा जेल, ये आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए एक मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब गॉड का वरदान है, आप सोच लो भगवान का आशीर्वाद है ये कि आप इस सिर्फ ये एक प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपने स्किन की प्रॉब्लम्स, आपके हेयर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ये एक गया, और एक है मैंने लिया है पतंजलि तेजस तेलम, ये एक ऑयल मैंने लिया है। ये ऑयल में काफ़ी सारे ऑयल्स मतलब कंटेन हैं इसके अंदर, मतलब सिर्फ ये सिंगल ऑयल नहीं है इसमें, जैसे आमंड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, काफ़ी सारे ऑयल्स हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से रिव्यू वीडियो बनाया है, वो आपने अगर नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने डाला है कि ये तेल किस किस काम में आ सकता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेयर एंड योर स्किन एज वेल। सो बस ये दो इन्ग्रीडियंट चाहिए आपको, ये दो प्रोडक्ट चाहिए आपको आपका हेयर ऑयल या हेयर सीरम बनाने के लिए। इसका कोई प्रॉपर या टिपिकल मेजरमेंट नहीं है, एटलीस्ट मैंने कोई रेशियो में इसको ऐसे मतलब नहीं किया कि इसका रेशियो इतना ही होना चाहिए। मैंने बस सिंपल इसको दोनों चीज़ को मतलब एक आई मेजरमेंट से मैंने नाप के मैंने वो मेजरमेंट मैंने यूज़ किया, और इस दोनों चीज़ को मिक्स करके मैं क्या करती थी, मैं इनिशियली जब मेरे मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा मतलब शुरू हो गए थे होना, तो मैं एवरी ऑल्टरनेटिव डे, क्योंकि रेगुलर शैम्पू करना भी हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब रेगुलर शैम्पू करने लगते हैं तब हमारे मतलब जो नेचुरल ऑयल है जो मतलब निकलते हैं हमारे स्कैल्प से, जो हमारे हेयर के लिए एक्चुअल में बहुत फ़ायदा करता है, तो वो ऑयल मतलब क्या होता है, वो ऑयल
ऑयल कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि आप इरेगुलर वॉश कर रहे हो तो वो ऑयल निकल जा रहा है, तो वो क्या करता है, हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों को और ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो मैं क्या करती थी, मैं रेगुलर शैम्पू कभी नहीं करती हूँ। तो जब मेरे सीवियर प्रॉब्लम शुरू हो गए थे हेयर फॉल के, तो मैंने क्या किया था, मैंने एवरी ऑल्टरनेटिव डे रात को मैं ये दोनों चीज़ मिक्स करके अच्छे से मैं एक मसाज लेती थी और रात भर सो जाती थी। फिर सुबह उठ के मैं शैम्पू कर लेती थी, अपने बाल को धो लेती थी। तो ऐसा मैंने कंटिन्यू कुछ दिन तक करने के बाद मैंने मतलब बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला मुझे, मेरे हेयर फॉल कम हो गए होना, और सबसे बड़ी बात मुझे डैंड्रफ के इशू हो गए थे, तो ये मेरे डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बहुत बहुत ही अच्छे से कैटर किया। मेरे डैंड्रफ इतने कंट्रोल में आ गए, तो मुझे लगा कि ये इतना इफ़ेक्टिव है तो वाई डोंट आई शेयर विथ यू, ताकि आप लोग भी, जो लोग भी डैंड्रफ से या हेयर फॉल से परेशान हैं, उन लोगों को भी मेरी तरह फ़ायदा मिल सके। तो आप इस चीज़ को, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, आप एक इसको आप थोड़ा ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपने बहुत सारे रेमेडीज़ यूज़ किए हैं तो ये दो चीज़ इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको कभी भी मिल जाएगा, एंड ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक इट कम्स इन 60 रुपीज़ एंड इट कम्स इन 80 रुपीज़। तो ये दो, अगर आप एक 60 रुपी का सामान, एक 80 रुपी का सामान लाते हो, तो आपको महीने आराम से चल जाएंगे और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि यू विल थैंक मी फॉर दैट लेटर ऑन, जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, और मैं कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो पे नहीं देती हूँ जो मैंने खुद ट्राई नहीं किया हो। तो इसलिए मेरे टिप एंड ट्रिक को या सजेशन को या रेमेडीज़ को आप आँख बंद करके, भरोसा करके मुझ पर यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो मुझे इनकरेज करने के लिए लाइक बटन हिट कर दीजिए, लाइक बटन पे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मैं कोई भी ऐसे वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ, आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए, और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल।